हेलो गाइस, माइके कम्युनिकेशन से इमरान और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक जोरदार वीडियो। और हम लेके आए हैं एक कैनन का प्रिंटर जो आज हम अपनी शॉप पे लगाने वाले हैं। और हम दिखा रहे हैं आपको कैनन का MF-30 मॉडल है और हम आपको दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग किस तरीके से होती है। और ये हमारा बिल है इसका, हम आपको दिखाते हैं ये कितने का बिल है, किस कैसे हमने परचेज करा है। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं, कैमरामैन इधर दिखाएंगे। ये हमारा देखो कैनन का शोरूम से हमने लिया है। ये हमारा बिल है, 17,000 टोटल है, 14,406.78 का ये बिल है हमारा। GST इंक्लूड होने के बाद 17,000 कुछ का ये पड़ चुका है। ये हमारा कैनन का प्रिंटर का ये बिल है और हम आपको इसको अब अनबॉक्सिंग दिखाते हैं किस तरीके से होगी और कैसे कैसे इसके अंदर फ्यूचर हैं, क्या क्या है, क्या क्या सामान इसके अंदर निकलता है, हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ यूं ही वीडियो में जुड़े रहें। और जिसने हमारा चैनल फॉलो नहीं करा, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जो हमारी वीडियो अगली नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। अब हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या निकलता है, ठीक है। और इसी में दिखाते हैं, ये देख रहे हैं हम, बिल्कुल सील है। हमने नेहरू पैलेस और क्या नाम है कैनन के स्टोर पे से लिया है डायरेक्ट। ये कैनन की एक किट है, इसमें क्या नाम है बुक है, इसमें एक पर्चा है और आपके पास ये हम आपको दिखा रहे हैं ये एक बुक है। बुक में इसमें डायग्राम दे रखा है किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से ओपन होना है, सीडी ड्राइवर वगैरह, डाटा केबल जो इसके अंदर होती हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे पहली बुक है, ये हम आपको यहाँ रखते हैं। और इसके अंदर ये है एक क्या नाम है, मैं आपको अनबॉक्सिंग में खोल के दिखाऊँगा जरूर। ये हमारी कैनन के प्रिंटर की MF-30, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे। कैनन MF-30 की ये ड्राइवर की सीडी है और ये हमारी इसमें डाटा केबल दे रखा है, ठीक है। ये हमारी सेटअप हो गया, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये पावर केबल है, ये आप देख सकते हैं कैनन के प्रिंटर की कितनी हैवी पावर केबल है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हमें साइड कर देते हैं। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग में हम सबसे पहले इसका थर्माकोल का ये हटाएंगे, ठीक है। ये हटा दिया हमने, ठीक है। ये ट्रे है जहाँ इस पे पेपर लगेंगे, इसकी ट्रे के पेपर हैं, ठीक है। ये हम इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, ठीक है। ये हमारा देखो प्रिंटर है, अभी इसमें फंसा हुआ है, अभी हम इसको बाहर निकालते हैं। ये बाहर निकाल दिया हमने, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डाउन किया बॉक्स, ये देखो अनबॉक्सिंग। देखो इसमें चिट लगी हुई चारों तरफ से, हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। अब हम देखो ये इसकी यहाँ से चीज उठाएंगे, यहाँ से हमने चीज उठाई, ठीक है। और हम यहाँ से ये चीज उठाएंगे, यहाँ पर देखो ये पेपर रखे जाते हैं, ठीक है। और ये क्या नाम है हमारी, ये पेपर ये रहे, ठीक है। ये कैनन MF-30, ये ट्रे लगेगी यहाँ पर, ये स्टैंड आता है इसका जहाँ पेपर हमारे
यहाँ पेपर इसमें रख दिए जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, ये देखो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये खोला हमने, अब ये हमने ट्रे खोली, अब इसके अंदर ड्रम है हमारा, ये सारी चीज़ें कंपनी से इंक्लूड होके आई हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैनन का MF 3010 मॉडल है, और हमारे चैनल में यूँ ही जुड़े रहे हैं। अभी हम इसका एक प्रिंट भी आपको करके दिखाएंगे, जब चालू करते हैं हम इसको इसकी जगह पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये हमने देखो निकाल रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा, ये हमने ये निकाल दिया, बताइए, ये हमने बाहर निकाला, ठीक है, ये हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं हमने किस तरीके से निकाल दिया है, ये आप देख रहे हैं। अब इसमें देख रहे हो यहाँ पर ये लगी हुई है, इसकी स्टेट हम निकाल देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से भी निकाल देंगे इसकी सील, ये ड्रम है इसको खींचना है हमें, ठीक है। ये हमारी ड्रम स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब अंदर कोई चीट इस तरीके की है नहीं जो हमें लगे कि हमें लगानी है, ठीक है। अब अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं ज़रा नीचे जाके, अब हम ये ड्रम यूँ करके ही इसका वापसी लगा देंगे, ठीक है। अब हम ये इसकी ट्रे हम नीचे कर देंगे, ठीक है। अब हम ये इसका पार्ट, इसको वापसी हम थोड़ा यहाँ से इसको यहाँ से झुका के नीचे कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा स्टार्ट हो गया, अब हम ये ट्रेन निकल गए, ठीक है। अब हम इसको हम चेक कर देंगे, अब हम इसको अपनी जगह पे ले आके इसको चालू करा के दिखाते हैं। अभी ज़रा पावर केबल लगाएंगे ये कहीं, स्टार्ट करते हैं, ये हम पावर केबल खोल के इसे ऑन करेंगे, इसका प्रिंट भी चेक करते हैं किस तरीके का प्रिंट आ रहा है। ये पीछे पावर केबल का सिस्टम है, हम कैमरामैन से कहेंगे कैम दिखाएं पीछे, ये पीछे पावर केबल लगेगी यहाँ पर, और ये यहाँ पर हमारा ड्राइवर के लिए जो अगर हमने प्रिंट आउट निकालना है सिस्टम से या किसी चीज़ से तो हम यहाँ पर केबल लगा सकते हैं। अभी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, हम अभी हम यहाँ लगा देते हैं, ये हम चिट हटा देते हैं इसकी, ठीक है, एक ही चिट हटा देते हैं। हम पावर केबल के लिए हमें पावर देनी है, कैमरामैन से कहेंगे हम आगे आइए, एक मिनट में केबल लगाऊं मैं, अपना प्रिंटर के पास ही अब हमने पावर केबल लगा दी है, और हम इसमें पेपर लगाएंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये हमने देखो इसमें पेपर लगा दिए हैं, ये हमने पेपर लगा दिए हैं, अब हम इसकी इधर आओ साइड में, हम ये ट्रेस पे हमने रख दी, ठीक है। अब हम इसका एक प्रिंट, अब हम इसे ऑन करेंगे, यहाँ पर पावर बटन है, ये आपको यहाँ पर पावर बटन दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम इसे ऑन करेंगे, हमने इसे ऑन करा है, अभी हमने वहाँ से लाइन चालू नहीं करी, ये हमने ऑन करा, यहाँ पर डिस्प्ले आई, ये सारे अपने ड्राइवर जितने लेने होंगे इसको ले लेगा स्टार्ट होने से पहले। फर्स्ट टाइम इसका ऑन करा है हमने, फर्स्ट टाइम इसको चालू करा है,
जब एक बार ये पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा फिर हम आपको इसका प्रिंट चेक कराएंगे किस तरीके से प्रिंट होता है। और हम इसकी ट्रे निकाल के रखेंगे। ठीक है, आपने आवाज़ देख रही होगी किस तरीके से आवाज़ आ रही थी, अब किस तरीके की आवाज़ बंद हो गई। अब हम इसमें एक अपना प्रिंट निकालते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट से ले लीजिए आप। अब हमने एक वोटर आईडी कार्ड है हमारे पास, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी फोटोकॉपी करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, अब हम यूँ इसको निकालेंगे। हम इसको इस पे लिखा 1 2 3 4 कितने पेज हमें निकालने हैं, 7 8 9 10 9 तक इसकी कैपेसिटी होती है। एक साथ पेज पे हमें 1 पेज ही निकालनी है। ठीक है, अब हम इसको ग्रीन से ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसको कमांड दे दी है और हमारा यहाँ से प्रिंट, यहाँ से पेपर सरक रहा होगा, आप देखेंगे ये पेपर सरका, ये हम इसके अंदर कर दें। अब यहाँ से पेपर निकला, ये हमारा प्रिंट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कितना प्यारा आया है। नया प्रिंटर का पहला प्रिंट है, कैनन कंपनी का MF3010 मॉडल है। अब मैं सेकंड साइड अब आपको दिखाऊंगा सेकंड साइड किस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, ये मैंने सेकंड भी यहाँ पर व्यू करके लगाया, सेकंड व्यू करके लगा दिया। और अब आईडी को इसको हम इस तरीके से पलटेंगे। ठीक है, पलट दिया हमने और हमने इसको ओके कर दिया, इसको हमने कमांड दे दी। कमांड देने के बाद हम इसको को क्या नाम है सेकंड, ये ट्रे इसलिए होती है कि पेपर इस पर आ जाए। मैं आपको खुल के इस पर दिखा रहा हूँ, अब आप देख लीजिए इसका सेकंड टाइम भी पास किस तरीके का प्रिंट आया, खूबसूरत प्यारा सा आया है। आप देख सकते हैं प्रिंट किस तरीके का है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा प्रिंट भी दिखाता हूँ किस तरीके का होगा। दूसरी आईडी ले लेते हैं, एक दूसरी डॉक्यूमेंट से ले लिया हमने वोटर आईडी। ठीक है, ये मैंने लगा दिया है, ये मैं आपको कमांड दे रहा हूँ। अब जैसे कि हमें 2-3 निकालना है, अब हम देखो इसमें 3 4 5 5 निकालते हैं हम लगातार। ठीक है, हमने 5 प्रिंट निकालने हैं इसके एक साथ, 5 हमने डॉक्यूमेंट से ले लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, पहला पेज गया, सेकंड गया, थर्ड गया, फोर्थ गया, फाइव्थ गया। अब मैं आपको प्रिंट दिखाता हूँ 5ों पे। ठीक है, ये ज़्यादा लाइट हो रहा है इस वजह से मैंने अभी इसका लाइट इसका कम करेंगे क्योंकि नया प्रिंटर है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्लियर आया है। अब इसका पहली तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, 5 प्रिंट हैं, अब हमने यूँ करके इसको पहली तरफ पे बैक साइड पे करनी है। 5 हैं, हम फिर 5 दबा देंगे। ठीक है, फिर गया फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर तीसरा पेज थर्ड, फिर फोर्थ। आप स्पीड भी देख सकते हैं, स्पीड भी बिल्कुल बढ़िया आ रही है, हिसाब से चल रहा है। ये आप देख सकते हैं हर पेज का प्रिंट किस तरीके से क्लियर आ रहा है, सारे प्रिंट एकदम ओके की रिपोर्ट है। और हमारा प्रिंटर ये हम अपनी शॉप पे लेके आए हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो हमारे इंस्टाग्राम की आईडी पे भी पूछ सकते हैं, मैंने रिसेप्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अलविदा दीजिए हमें। अगर हम अब इसमें प्रिंट आउट हमने निकालना होगा, मैं अगली वीडियो में आपके लिए प्रिंट आउट के लिए मैं आपको वीडियो दे दूंगा। अब यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं और हम यहाँ से ऑफ करने जा रहे हैं, ये हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, और यूं ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और हमारी अगली नई वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। अच्छा, चलते हैं अगली वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़।